कार चालक सावधान हो जाइए अगर आपने कार चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया है तो। जी हां, अगर कार चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया है तो ट्रैफिक पुलिस आपके हेलमेट का चालान काट देगी। जी हां, यह सुनकर आप चौंक गए होंगे। अब जरा मेरठ से आई इस खबर को भी समझ लीजिए। हाथों में ई चालान की कॉपी पकड़े ये शख्स मेरठ का कारोबारी अजीत कुमार शर्मा है। चालान के नाम पर इनसे किस तरह का मजाक किया गया है, इसे अगर आप भी सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल कारोबारी अजीत कुमार शर्मा के घर ट्रैफिक पुलिस ने डाक से ई चालान भेजा है। उसमें उनकी कार का नंबर लिखा है जबकि फोटो बाइक का है। चकरा गया ना आप भी? अजीत के मुताबिक चालान 15 फरवरी का है जिसमें उन्हें 100 रुपए का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जमा करना होगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया जबकि अजीत कार चलाते हैं। अब चालान देखकर वो हैरान है। वही ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के इतर उन्हें इस बात की भी आशंका है कि कोई उनकी कार का नंबर बाइक पर डालकर दुरुपयोग भी कर सकता है, लिहाजा उन्होंने एसपी ट्रैफिक से लेकर एडीजी तक इस मामले की शिकायत की है। ये असल में बड़ा एक हास्यास्पद मामला है जिसके अंदर हमें ट्रैफिक पुलिस मेरठ ने एक चालान भेजा है, ई चालान। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए प्रॉपरली इनको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने देखा ही नहीं कि ये जो नंबर है ये दिखाएगा प्रॉपर ऐप पे आपको कि ये कार का नंबर है, और जब आप उसमें ऑफेंस भर रहे हैं विदाउट हेलमेट तो ये एक ह्यूमन मिस्टेक है, ये एक आदमी की मिस्टेक है कि जब आपको कार पे दिखाई दे रहा है, ये ऐप के अंदर दिखा रहा है कि UP15BV4648 जो मेरी कार है उसमें आप कैसे ऑफेंस डाल सकते हैं इसका चालान में कि हेलमेट के बिना ड्राइव कर रहे हैं, ये जो कि सरासर गलत है। वही जब इस मामले में हमारी बात एसपी ट्रैफिक से हुई तो उनका कहना है कि संभवतः दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी चोरी की है, क्योंकि जिस गाड़ी का जॉब चालान भेजा गया है उस गाड़ी पर यही नंबर लिखा था, और इस गाड़ी से नंबर के आधार पर जिस शख्स का नाम निकल कर आया उसको चालान भेजा गया है। जैसे कि अभी आपने मुझे दिखाया जो चालान है उस पर बाइक की फोटो भी है और बाइक पे वही नंबर है जिस नंबर का चालान हुआ है। तो जब ये चालान हुआ तो हेलमेट में ही चालान हुआ जो भी आदमी उस बाइक को चला रहा था, लेकिन वो नंबर जो है गाड़ी का वो निकला है कार का। तो संभवतः ये गाड़ी चोरी की है और कोई गलत नंबर इस्तेमाल उसी कार का नंबर इस बाइक पे इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में जांच हो रही है और बहुत जल्दी इसको पकड़ा जाएगा जिसकी गाड़ी। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है और जो भी इस मामले में दोषी निकल कर आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ऐसी गलतियों की वजह से आम जनता को परेशान होना पड़ता है। वही अधिकारी अपने कर्मचारियों की गलतियों को छुपाने में लगे हुए हैं। मेरठ से समाचार प्लस के लिए सलमान हैदर की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।